नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूरेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल मयूरेश। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जो हूँ आपसे बात करने वाला हूँ कि आखिर Realme U1 या फिर Realme 2 Pro में से आखिर ऐसा कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट फिट करेगा, यानी इन दोनों फ़ोन में क्या खास डिफरेंस है। क्या हमें 14,000 रुपये लगा के Realme 2 Pro लेना चाहिए या फिर वही उससे बेटर जो फ़ोन है वो हमें 11,000 रुपीज़ में देखने को मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम उन दोनों फ़ोन्स को ही हम कंपेयर करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरह। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि कल ही जो है वो लॉन्च हुआ है Realme U1, जिसका जो प्राइस है उसकी रखी गई उन्होंने 11,000 रुपये से स्टार्टिंग प्राइस रखी है, जिसमें आपको देखने को मिल रहा है कि वो जो फ़ोन है वो मेनली है एक सेल्फी सेंट्रिक फ़ोन है, क्योंकि उसमें आपको फ्रंट की तरफ में देखने को मिल रहा है एक 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जो कि एक अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा हाई रिजोल्यूशन होता है। और साथ ही साथ ये होगा वर्ल्ड का फर्स्ट स्मार्टफोन जो कि आ रहा है Helio P70 के साथ में पावर्ड। तो अब बात करते हैं हम इन दोनों फ़ोन के मेन कंपेरिजन के बारे में। तो सबसे पहले पॉइंट जो आता है वो आता है डिस्प्ले। आप सभी को बता दूं कि Realme U1 की जो डिस्प्ले है वो है 6.3 इंच की Full HD+ डिस्प्ले, और इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो आपको देखने को मिलेगा 19:5:9 का। और आप सभी को बता दूं कि इसमें आपको देखने को मिलेगी ड्यू ड्रॉप नॉच स्टाइल। और आपको बता दूं कि ये सेम स्पेक्स आपको देखने को मिलते हैं Realme 2 Pro में, यानी उसमें भी आपको 6.3 इंच की Full HD+ डिस्प्ले मिलती है, उसमें आपको वाटर ड्रॉप की नॉच मिलती है जो कि सिमिलर ही है, और इसमें भी आपको जो एस्पेक्ट रेशियो जो देखने को मिलता है वो भी 19:5:9 का ही देखने को मिलता है। इन दोनों फोन्स में आपको एक डिफरेंस बता दूं कि इसमें जो बैक पैनल, जो Realme U1 में जो आपको बैक पैनल देखने को मिलता है वो मिलता है आपको PVC यानी पॉली कार्बोनेट का मिलता है, जो कि एक ग्लास की टच आपको देता है जिसपे स्क्रेचेस बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। और वो का वही इसमें भी मिलता है आपको Realme 2 Pro में, लेकिन इसमें आपको डायमंड कट का जो एक इफेक्ट है वो देखने को मिल जाता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हम बात करते हैं इसके प्रोसेसर और इन सभी के बारे में। तो आप सभी को बता दूं कि Realme U1 जो है वो पावर्ड है एकदम लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ में, जिसका नाम है Helio P70। और इसी प्रोसेसर को इस फ़ोन के अंदर लगाने से ये फ़ोन जो है वो बन गया है वर्ल्ड का फर्स्ट स्मार्टफोन जो कि पावर्ड है Helio P70 के साथ में। एक हिसाब से ये बताया जा रहा है कि ये जो प्रोसेसर है ये एकदम लेटेस्ट प्रोसेसर, इसलिए इसमें जो इसकी ऐसा भी बताया जा रहा है कि इसके एंटूटू बेंचमार्क जो इसकी रेटिंग है वो भी बहुत ही बढ़िया है, और इसकी जो CPU की परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छी बताई जा रही है स्नैपड्रैगन के 660 के मुकाबले में। और वैसे हम अगर एक वैसे कि बहुत ही फॉर्मल बात करें तो आप सभी को पता है कि स्नैपड्रैगन के जो प्रोसेसिंग आती है वो अच्छे आते हैं, हर एक प्रोसेसर उसके चिपसेट जो अच्छे आते हैं ट्रस्टेबल होते हैं। Helio P60 के कंपैरिजन में 636 बेटर होता है, वैसे ही P60 के मुकाबले में P70 के मुकाबले में ये भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन इसकी जो CPU जो परफॉर्मेंस है ये बहुत ही अच्छी है एक हिसाब से। और इसमें जो इसकी जो कैपेसिटी है वो है लगभग 30 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा की, इसी कारण ये जो प्रोसेसर लेटेस्ट होने के कारण और इसकी CPU परफॉर्मेंस अच्छी होने के कारण Helio P70 भी एक अच्छा प्रोसेसिंग आपके लिए देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ आपको इसमें जो है रैम वेरिएंट देखने को मिलेंगे 3 GB और 4 GB की। और अगर हम वही बात करें Realme 2 Pro की, तो इसमें आपको देखने को मिलेंगे स्नैपड्रैगन का 660, वो भी एक अच्छा प्रोसेसर, लेकिन क्योंकि P70 जो एक लेटेस्ट है और CPU परफॉर्मेंस इससे भी अच्छी बताई जा रही है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि एंटूटू बेंचमार्क जो इसके ऊपर अपन इतना भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक न्यूज़ भी हमने सुनी थी कि उसमें फेक जो बेंचमार्क पॉइंट्स मिल जाते हैं पैसों के बदले में, तो यार कैसे ट्रस्ट करें जब तक हम अपने हाथ में यूज़ ना करें। वैसे स्नैपड्रैगन एक ट्रस्टेबल प्रोसेसर है, तो इसमें Realme 2 Pro में आपको स्नैपड्रैगन का 660 देखने को मिलता है, इसमें आपको 3 जो है रैम वेरियंट देखने को मिलते हैं जो कि 4 GB 6 GB और 8 GB, और स्टोरेज जो ऑप्शन आपको Realme U1 में मिलते हैं 32 GB और 64 GB, और वही जो Realme 2 Pro में आपको 8 GB और 128 GB का स्टोरेज वेरियंट आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो दोनों ही फ़ोन्स में आपको बिल्कुल सेम मिलने वाला है 8.1 Oreo Realme U1 में भी और Realme 2 Pro में भी, और वही कलर OS जो है 5.1 जो है आपको दोनों ही फ़ोन में देखने को मिलेगा, जो कि एकदम लेटेस्ट वर्जन है कलर OS का। 5.1 इतना अच्छा नहीं है वैसे एक हिसाब से कलर OS, फिर भी थोड़ा MI से तो हटके जिसमें एड्स नहीं आती, क्योंकि MI में तो खुद के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर एड आ जाती है, यानी सब दूर से पैसे कमाना। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कैमरे का। तो Realme U1 में आपको बैक
बैक की तरफ देखने को मिलता है 13+2 मेगापिक्सल का, यानी इतना हाई कैमरा नहीं है एक हिसाब से, लेकिन इस सेगमेंट में ये जो कैमरा है ये सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि आपको एसुस जेनफोन मैक्स प्रो M1 देखने को मिल रहा है, जिसमें जो आपको जो कैमरा मिल रहा है वो भी है 13+2, और इसमें भी आपको 13+2 मिल रहा है। लेकिन इसमें खास बात ये है कि इसका फ्रंट कैमरा जो है वो है 25 मेगापिक्सल का, और वही अगर हम मैक्स प्रो M1 में देखेंगे तो आपको देखने को मिलता है लगभग 8 मेगापिक्सल का। और वही अगर हम इस फ़ोन को जो इसमें आ रहे हैं 13+2 मेगापिक्सल और फ्रंट कैमरा जो है 25 मेगापिक्सल का, और वही हम Realme 2 Pro में देखेंगे तो आपको बैक की तरफ देखने को मिल रहा है 16+2, जो कि बैक में एक बहुत ही पावरफुल कैमरा आपको देखने को मिल रहा है, और वही फ्रंट में जो है आपको सिर्फ कितने मेगापिक्सल का, मेरे को ध्यान से उतर गया, 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल रहा है, जो कि फ्रंट में थोड़ा सा कम है। जैसे 13 मेगापिक्सल भी इतना कोई कम नहीं होता, अच्छी फोटोस आती है, मैंने खुद ने भी खींची है अपने एसुस मैक्स प्रो M1 में। तो शायद ये जो है आपको सिर्फ दो पॉइंट से आपसे बता दूं कि दो मेजर डिफरेंसेस है, पहला जो है वो प्रोसेसर में, और दूसरा जो है कि कैमरा जो है फ्रंट बैक का थोड़ा सा ऊपर नीचे है, बस यही है। आप अगर आप चाहते कि यार 11,000 से 14,000 तक, मैं तो सोचता हूँ कि अगर मैं होता तो Realme U1 ही खरीदता, क्योंकि लेटेस्ट प्रोसेसिंग है वैसे अच्छा ही होगा, P60 भी अच्छा परफॉर्म करा, तो शायद Realme U1 जो है वो भी एक अच्छा आपके लिए सेल हो सकती है, यानी बेस्ट फ़ोन हो सकती है, यानी डील अच्छी हो सकती है। तो अब देखते हैं कि आप कौन सा फ़ोन खरीदते हो, अगर आपने प्लान बना लिया Realme U1 को ख़रीदने का, और या आपको अभी भी Realme 2 Pro अच्छा लगा, तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन पसंद आया, और आप कौन सा इस इन दोनों में से फ़ोन खरीदेंगे। तो बस यही था आज की इस वीडियो में, तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। सैल्यूट टू फ्रीडम फाइटर, सपोर्ट ड्रग्स, रिस्पेक्ट वुमेन, जय हिंद, वंदे मातरम।